26 तारीख है। और शनिवार है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। जो भी लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, मंगल आरती आते हैं जाने का प्रयास कर रहे हैं, सभी का धन्यवाद। देखो, वैष्णव पद्धति जो है यही अनादि पुरातन है। इसमें क्या शिक्षा है? मान लो एक कोई मांगने वाला साधु या कोई दूसरा किसी घर में मांगने के लिए गया, तो उसको कुछ नहीं दिया, उन्होंने ऐसे भगा दिया। दूसरे घर में गया, उन्होंने कुछ दिया उसको, तो शब्द क्या है? जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ये है अनादि पुरातन सभ्यता संस्कृति। तो इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेजा है, जिन्होंने पुनः इसका श्रीगणेश किया है। दोष आ जाते हैं, क्योंकि हम पतित लोग हैं, दोषों से भरे पड़े हैं। हमें लाभ प्रतिष्ठा मान सम्मान बहुत सारे दोष है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मस्तर ईर्षा दंभ कपट। जबकि हम सब जानते हैं कि मेरे साथ कुछ जाना नहीं है, लेकिन जब तक अंदर शुद्धि नहीं होती, हमारी अंतरात्मा शुद्धि नहीं होती, हृदय निर्मल भय तार, वैष्णव कह रहे हैं कि जब तक हृदय निर्मल नहीं होता तब तक बुराइयां बनी रहती हैं। जब देखो कि इतने राजे महाराजे हुए, आए रहे, राज्य किए, मर गए, चले गए, जो दूसरे आए उन्होंने ये नहीं सोचा भाई पहला जो राजा था वो मर गया, मैंने भी मरना है, तो मैं ठीक तरह से कार्य करूं। लेकिन नहीं, जब तक शुद्धि नहीं होती ना, इसलिए प्रभुपाद एक बात कहते थे, शुद्धि न सत्ता। अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। सभी याद रखो इस बात को, सारी माताएं, सारे भक्त, सारे बच्चे, सभी इस बात को, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। ये नहीं कि कुछ वर्ग के लोग अपनी सत्ता को शुद्ध कर सकते हैं, दूसरे नहीं, सभी सभी का अधिकार है। अभी देखो, जैसे भक्ति, भक्ति के द्वारा हमारी शुद्धि होगी। तो ये नहीं है कि जो ब्राह्मण घर में जन्मा वो भक्ति कर सकता है, जो शूद्र घर में जन्मा वो नहीं कर सकता, ऐसा कहीं नहीं शास्त्रों में। और कई शूद्रों के उदाहरण हैं हमारे संप्रदाय में। एक झारू ठाकुर हुए, बड़ी शिक्षा ले। झारू जो थे वो शूद्र थे, चैतन्य चित्तामृत में उनकी कथा आती है। झारू ठाकुर, ठाकुर की उपाधि उनको इसलिए दी थी कि वो भगवान के ही समान थे। शरीर शूद्र था, कोई चिंता नहीं। हरिदास ठाकुर जी का शरीर मुस्लिम था, लेकिन उनको हरिदास ठाकुर नामाचार्य की पदवी दी गई थी। किसने? भगवान ने दी। झारू ठाकुर की बात सुनो। झारू ठाकुर जो थे बड़े महान वैष्णव थे, आत्मा उनकी बड़ी उन्नत आत्मा थी, परमात्मा से पूर्ण प्रेम था उनका। और एक भक्त थे जो श्रील रघुनाथ दास जी के मामा थे, मामा ही थे मेरे ख्याल में, उनका नाम था कालिदास। रघुनाथ जी का जो परिवार था बड़े ऊंच, मतलब अमीर लोग थे, बड़े बहुत अमीर थे। तो उनके मामा थे कालिदास जी। कालिदास जी भी परम वैष्णव, जैसे रघुनाथ दास जी परम वैष्णव, कालिदास जी पर उनकी क्या हॉबी क्या थी, कालिदास जी क्या करते थे, उनके कभी कहीं पता लगा कहीं वहाँ वैष्णव रहता वहाँ पहुँच जाते, वो उनकी झूठ खाते थे, क्योंकि जो वैष्णव की उचित है झूठ है मुरी अंतरात्मा को पवित्र करेगी, कालिदास जी का ये काम था। उनको पता लगा कि झारू ठाकुर हैं परम वैष्णव, उनके पास आ गए। झारू ठाकुर ने उनका स्वागत किया, प्रणाम किया,
उन्होंने उनको प्रणाम किया। झारू ठाकुर कहते हैं, मैं सात वाले ब्राह्मण घर से आपके लिए कुछ भोजन मंगवाऊं? कि नहीं नहीं, मैं आपके घर से खा लूंगा। कहे मैं शूद्र हूँ, जबकि परम वैष्णव हैं, बड़ी शिक्षा इसमें है। तो कहते हैं, वो अपने आप को वैष्णव मानने के लिए तैयार ही नहीं है, कहते मैं तो शूद्र हूँ। तो कालिदास जी ने क्या किया, शास्त्रों के उदाहरण दिए, बड़े विद्वान थे, भक्त थे, वैष्णव थे, इस शास्त्र में ये लिखा, इस शास्त्र में लिए, उदाहरण दिए। तो अपना झारू ठाकुर जी महाराज सुन रहे हैं सब कुछ, उन्होंने बोला, कहा कि वैष्णव की कोई जात नहीं होती। तो सब सुनने के बाद झारू ठाकुर कहते हैं, आप ये सब ठीक कर रहे हैं, पर मैं तो वैष्णव ही नहीं हूँ। ये है सच्चे वैष्णव। कोई अपना ढोंग करता है, मैं बड़ा महान हूँ, इसका मतलब वो पतन की ओर जा रहा है, वो भगवान की ओर नहीं जाएगा। जहाँ भी अहंकार आ गया, किसी को भी, किसी चीज़ का भी, उसका पतन है। वैष्णवों की देखो, झारू ठाकुर जो हैं कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, शास्त्रों में तो लिखा, मैं तो वैष्णव हूँ ही नहीं, जबकि परम वैष्णव हैं वो, उच्च कोटि के वैष्णव। तो आखिर कालिदास जी महाराज हार के, कालिदास जो थे, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मानने के लिए तैयार ही नहीं। लेकिन कालिदास जी बड़े पहुंचे हुए वैष्णव थे, वो अमीर घर से हैं, ये नीच घर से हैं और गरीब हैं, लेकिन वैष्णव वैष्णव है, जो वैष्णव है वो वंदनीय है, पूजनीय है। तो कालिदास जी महाराज कुछ आम ले आए थे उनके लिए, कि ये स्वीकार कीजिए। अच्छा, आम लिए, वार्तालाप हुई, कालिदास जी चले गए। कालिदास जी महाराज गए नहीं, कालिदास जी बाहर जाके छुप गए। जब तो झारू ठाकुर जी ने अपनी पत्नी को कहा, ये भोग लगाओ, गौर नेताए को भोग लगाया। पति ने पहले आम पाए और पत्नी ने फिर प्रसाद लिया। अभी गुठली है और आम के छिलके तो कोई खाता नहीं, जाके बाहर फेंक दिए। कालिदास जी प्रतीक्षा कर रहे हैं वहाँ पर बाहर खड़े खड़े, आए ये फेंके, उठा के चाटने लगे वैष्णव का प्रसाद लेने के लिए। झारू ठाकुर को पता नहीं है कि कालिदास जी हमारे जूठे उनको चाट रहे हैं। महाप्रभु जो घटघट वासी हैं, भगवान हैं, जिनसे कुछ भी छुपा नहीं है, राधा भाव में कृष्ण हैं, कलियुग के लोगों पर कृपा करने आए हैं। तो महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाते, अपने पग पखारते थे, अपने चरणों का मतलब धोते थे, भगवान मंदिर में शुद्ध होके जाना चाहिए, तो भीड़ लग जाती, सब जानते थे कौन है महाप्रभु भगवान, लोग चनामत लेने लग पड़ते, भाई भगवान के चरणों का इतना पीने पर। भगवान ने एक दिन मना कर, कोई भी पानी नहीं पिएगा, सबको मना कर दिया। भगवान जब मना करते हैं, उनकी आज्ञा पालन करनी होती है। भगवान भी एक भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, मना कर दिया जब, तो अभी कालिदास जी आए पुरी में, तो सब भक्त खड़े हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। उस समय भगवान अपने चरण धो रहे थे, गौर भगवान, बड़े प्रेम से बोलो गौर भगवान की, चरणों को जब धो रहे थे, तो अभी कालिदास जी बाहर से आए हैं, उन्होंने चरणामृत लिया, एक लिया, दो लिया, तीन, भगवान ने कुछ नहीं कहा उनको, क्या उन्हें कुछ भी कहा, एक समझो उस बात को, आपके ध्यान में आ गई होगी, नहीं आए खुद मैं लाता हूँ, क्योंकि कालिदास जी को सारे वैष्णवों की कृपा मिली थी, उनको भगवान ने कुछ नहीं कहा और किसी को नहीं। तो हमें, मैं कहने का अभिप्राय क्या है, चैतन्य लीला है ये जो वैष्णव बैठे हैं मूर्ति रूप में, इनकी कृपा चाहिए सभी को, सभी इनकी कृपा की याचना करो। कोई कहे जी आप हमारे गुरु हैं, हमारी याचना करो या ना करो कोई अर्थ नहीं है उसका, पर इनके चरणों में प्रार्थना जरूर करो।
ये आपको आज भी भगवान से मिला देंगे अगर आपने इनकी कृपा ली। और इनकी कृपा क्या है जो हम आपको बताते हैं बार बार, इनकी कृपा ये है, भगवान का नाम जपो, चार नियमों का पालन करो, प्रचार करो, पुस्तकों का वितरण करो, हरि नाम करो, एक करने से इनकी कृपा मिलेगी। बस क्या कठिनाई है उसमें, कोई कठिनाई नहीं। तो झारू ठाकुर महाराज एक शूद्र होते हुए, अब कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया था तो उससे बात हुई, एक भक्त से बात हुई, कहती आपने मेरा नाम लिया था, मैं फिर सुन रहा हूँ अभी, वो कथा रोज सुनता है, उसको हमने ब्राह्मण दीक्षा दी, तो मैं कमरे में बैठा हूँ तो वो बार बाकी वो कह रहा है मैं अभी ब्राह्मण हूँ, अभी फिर सुनेगा दोबारा, वो इंटरनेट में, वो इधर है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन में है, वाशिंगटन डीसी में। तो हमें अहंकार हो जाता है, ब्राह्मण दीक्षा मिली तो हम बस पहुँच गए भगवान, ऐसे थोड़ा है। भगवान के पास पहुँचने के लिए हमने सद्गुण अर्जित करने हैं, दुर्गुणों को भगाना है। और देखो इसलिए एक बात प्रभुपाद जी ने एक दोहा भागवत में लिखा है, क्या दोहा है वो, उसमें कहा है, सारे पीछे बोलो, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना को, जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को हो। प्रभुपाद कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, दुख में तो भगवान के पास जाते हैं सारे, सुख में भूल जाते हैं। जो सुख में भी भगवान को याद रखेगा तो दुख आएगा ही नहीं। देखो इस दोहे को प्रभुपाद जी ने बड़ा अप्रिशिएट किया, तो अच्छी चीज जहां से प्रभुपाद ने तो इतना कुछ दिया है कि हम तो उसको इतने हम योग्य नहीं है उसको ले सकें, उन्होंने अथाह समुंदर दिया, सब कुछ दिया है, फिर भी कई बातें रह भी गई, कितना बेचारे 11 साल में क्या करते, सारा जीवन उन्होंने प्रभुपाद जी ने इस संस्था के लिए दिया, भागवत लिखे, कितनी मेहनत की, खुद फिर प्रचार किया, पैम्फलेट बांटे, अकेले बेचारे कर रहे, लेकिन लगे रहे शुरू से लेकर आखिर तक। तो हमें इनकी कृपा चाहिए भाई, ये एक प्रमाणिक हैं और इनका कार्य इतना दिव्य कार्य है कि जिसकी कोई तुलना नहीं। ये चैतन्य चरितामृत में अंत लीला में ये शब्द आए हैं, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ, धन्यवाद ये निकाल के दिए मेरे को शब्द, थोड़ा क्या लिखा है, चैतन्य चरितामृत 16वां अध्याय 25 से लेकर 27 श्लोक तक, नामे भक्ता चतुर्वेदी मद भक्ता स्वापचा प्रिया तस्में देयम ततो ग्राह्यम साचा पूज्यो यथा यथा दहम। कोई संस्कृत साहित्य में कितना ही विद्वान पंडित क्यों ना हो, अनुवाद ध्यान दें साहब, कोई संस्कृत साहित्य में कितना ही विद्वान पंडित क्यों ना हो, यदि वह शुद्ध भक्ति में नहीं लगा है तो वह मेरा भक्त नहीं माना जाता। विद्वान बड़ा है, सब लोग विद्वान बनने का प्रयास करते हैं, विद्वान है बड़ा लेकिन भक्त नहीं है तो भगवान कहते हो मेरा भक्त नहीं है। किंतु यदि चंडाल परिवार में उत्पन्न कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है
चुंडाल मतलब कुत्ते खाने वाले। शुद्ध भक्त बनता है उस परिवार में, शुद्ध भक्त होता है जिसे सकाम कर्म या ज्ञान के माध्यम से भोग की इच्छा नहीं रहती। ज्ञान कर्म या सकाम, ज्ञान सकाम कर्म या ज्ञान के माध्यम से भोग की इच्छा नहीं रहती, तो वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। भगवान कहते हैं मुझे अत्यंत प्रिय होता है, उसे सभी तरह का आदर दिया जाना चाहिए और वह जो भी दे उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भक्त मेरे ही समान पूज्य होते हैं। यह श्लोक भगवान द्वारा कहा गया है और हरि भक्ति विलास में पाया जाता है। हरि भक्ति विलास में ये श्लोक वर्णन आया है। तो जो भगवान का भक्त है, चाहे वो कोई भी है, वो भगवान के समान ही है, याद रखो। पर भक्त बनना चाहिए, लेकिन इतना तो वैसे तो प्रभुपाद कृपा से पहले और परंपरा छठ गोस्वामी की कृपा से और श्रीनिवास ठाकुर, गदाधर ठाकुर, अद्वैताचार्य, नित्यानंद, चैतन्य कृपा से भगवान को पाना बड़ा सुगम हो गया इस कलयुग में, लेकिन कोई पाना नहीं चाहता, बहुत सुगम है। बाकी युगों में जैसे कहा ना कि रामायण में वर्णन आता है, शब्द आते हैं, ये जटायु जी कह रहे हैं राम जी को, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही, नहीं आता कई जन्मों तक। अभी देखो, इसलिए भगवान वेदव्यास ने और उनके सुपुत्र सुखदेव जी ने भागवत में कहा है अपना किन के बारे में कहा है, महाराजा भरत के बारे में। महाराजा भरत जो हैं सब कुछ छोड़ दिया, संसार का रज छोड़ दिया, लेकिन एक हिरणी के बच्चे से उनका मोह हो गया। तो ये बताया कि माया बहुत प्रबल है, पर कलयुग में अगर हम नाम का सहारा लेकर चलते हैं और भक्त बन जाते हैं तो अपना जीवन सफल हो सकता है। तो जीवन को सफल करना है, यही संदेश है। फिर आया है विप्रांत द्वी षड गुण युता दरबिंद नाभा पदार बिंद विमुखात शोपचम तिष्ठितम मन्य तदर्पि मनो वयने ही थार्थ प्राणम पुनातिसा कुलम ना तु भूरी माना। ब्राह्मण कुल में जन्मा और वारहों ब्राह्मण गुणों से संपन्न, ब्राह्मण के जो 12 गुण हैं उनसे संपन्न है वो व्यक्ति। योग्य होते हुए भी यदि कमलनाथ, भगवान श्री कृष्ण, भगवान के कमलनाथ नाम है, बोलो कमलनाथ भगवान की जय। भगवान के श्री चरण कमलों की भक्ति नहीं करता तो वह उस चंडाल, उस चंडाल के तुल्य भी नहीं होता जो अपना मन, वचन, कर्म, धन तथा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर चुका है। सबके ध्यान में आया नहीं आया, बोलो, सारे क्यों नहीं बोल रहे। केवल ब्राह्मण कुल में
जन्म लेना अथवा ब्राह्मण गुणों से युक्त होना पर्याप्त नहीं है। ब्राह्मण के गुण आ गए या ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, नहीं, मनुष्य को भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहिए। यदि कोई स्वच्छ या चंडाल व्यक्ति भक्त होता है तो वह ना केवल अपना अपितु अपने पूरे परिवार का उद्धार कर देता है, जबकि अभक्त ब्राह्मण ब्राह्मण गुणों से युक्त होते हुए भी अपने आप को भी पवित्र नहीं कर सकता। अपने परिवार की बात तो दूर रही। यह श्लोक श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद छठा अध्याय दसवां श्लोक से है। ये तो ये सब लुप्त हो गई थी बातें भारत में, पखंडी लोगों ने आगे पीछे मतलब गड़बड़ें की, सच्चाई नहीं लोगों को बताई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का, राधा रानी का, गौ नीता का बड़ा धन्यवाद, उन्होंने अपने सच्चे भक्त को भेज करके सब कुछ सबको बता दिया। अभी जो पखंडी हैं उनको कष्ट हो रहा है बड़ा, भाई ये देखो कैसे हैं, ये सभी भक्त बन रहे हैं। अहो बता स्व पचो तो घरियान यज्जी हाव करे वर्तने नाम तुभ्यम तेपुर तेपु तेपुस तपस्ते जुहवा सुनिय ससूनु रार्था ब्राह्मानु चरणाम ग्रहणंत ये थे। हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके पवित्र नाम को सदा अपनी जीभा पर रखता है वह दीक्षित ब्राह्मण से भी बढ़कर है। भले ही उसने सुपच्छ चंडाल कुल में जन्म लिया हो, अगर जो भगवान के नाम को सदा जीभा पर रखता है, मतलब चंडाल कुल में भी वह जन्म है, तो कहा कि वो दीक्षित ब्राह्मण से भी बढ़कर है। और भी और भौतिकता की दृष्टि से मनुष्यों में अधम हो, फिर भी वह महिमा मंडित है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने की यही तो अद्भुत शक्ति है। अभी देखो, देखा गया है जब तक वो शुद्ध नहीं होते ना, कई मतलब शास्त्रों के बखान में बड़े निपुण हो जाते हैं लोग, कितने अच्छे हैं कितने अच्छे हैं, पर अगर वो भक्त नहीं है तो बेकार हैं। भक्त नहीं है तो बेकार हैं, अगर वो नाम को जैसे भी जपते हैं ना, वो साकार हैं, वो अच्छे हैं। पवित्र नाम का जप करने की यही तो अद्भुत शक्ति है। जो पवित्र नाम का जप करता है, समझ लो कि वह सभी तरह की तपस्याएं कर चुका है, सारी तपस्याएं कर चुका है, वह सारे वेदों का अध्ययन कर चुका है, उसने वेद वर्णित सारे महान यज्ञ संपन्न कर लिए हैं, और उसने समस्त तीर्थ स्थलों में पहले ही स्नान कर लिया है जो सदा नाम जपता है, और सचमुच वही आर्य है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद 33वां अध्याय 7वां श्लोक से है। ये भागवत कह रहा है, लेकिन अगर भागवत कथा वाले कहाँ ये लोगों को बताते हैं, नहीं बताते, कहते हम ही महान हैं। इसलिए याद रखो, ये भक्ति जो हमको मिली है प्रभुपाद कृपा से, अरे बोल, ये पेन कैसे इस्तेमाल किया है, दोनों तरफ आ रहा है, ये पेन इस्तेमाल कैसे किया है, हाँ? ये भगवान किसने भेजे, तूने किसने,
कृष्णदास बेचारा ऐसे ही है, ऐसे ही काम किया कर कृष्णदास है ना, डायरी को पानी में ही डाल दिया, इसलिए सब गड़बड़ हो रही है, पढ़ने में गड़बड़ हो रही है। हैं इसको थोड़ा ट्रेनिंग दो। तो ये जरा फिर दोबारा लिख देना, पढ़ा नहीं जा रहा अच्छी तरह से, ठीक है। तो आप कृपया समझो, पहले तो ये बात मैं कहूँगा आपको, ये भक्ति करने का मौका किसी को है ही नहीं, करोड़ों लोग हैं, मौका ही नहीं है। जो भक्ति पथ चुन लेता है समझो वो बड़ा भाग्यशाली है। अभी फिर वो कोताही ना करे इस मार्ग पर चलने के लिए, चाहे कितनी बाधाएं आए, कितने लोग हमें परेशान करें, इस मार्ग को ना छोड़ें, क्योंकि संसार एक दिन हमने त्यागना है। और भक्ति के बिना अगर संसार त्यागा तो वो समय बड़ा कठिन है, बड़ा दुखदाई है, अंतिम समय बहुत दुखदाई है। तो आज 26 तारीख जैसे मैंने कहा, कल एकादशी है। अरे बोलिए ये क्या कर रहा है बार बार उसको, ये उसको बंद रखना, बंद कर दो, ऊपर से बंद कर दो। आज शनिवार है, कल रविवार एकादशी का व्रत है, रविवार को विजया एकादशी है। आप सबने एकादशी का व्रत बड़े भाव से रखना है। और एकादशी माता जो है ना, ये भी प्रभुपाद जी ने दी हमको, बचपन में मैं व्रत तो बहुत रखता था लेकिन एकादशी के लिए मुझे बताया नहीं किसी ने, व्रत मैंने रविवार सोमवार मंगलवार तीन व्रत रखने, तो लेकिन एकादशी का किसी ने कहा ही नहीं। तो प्रभुपाद जी ने एकादशी व्रत दिया पूरी दुनिया को, मैंने व्रत तो रखे लेकिन एकादशी व्रत नहीं रखता था, पता ही नहीं था। तो एकादशी माता जो हैं हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को काटने वाली हैं। और याद रखो, हमने अपने सरों पर जो पाप का बोझ है ना, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, इस बोझ को समाप्त करना है। पाप रूपी बोझ जो है, जैसे वो है ना शब्द बिंदु जी महाराज के, पाप गठरिया सर पर लादे रहा भटक तारो, पाप गठरिया प्रेम सहित राधा माधव की किया न कुछ भी खोज, प्रेम सहित झूठा करता रहा शवाता, झूठा करता रहा तमाशा, बातों में बीती जाए, झूठा करता रहा तम बातों में, अरे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल,
ये भजन बिंदु महाराज, पहले मैंने केवल बताया, बड़े सुंदर हिंदी के भजन लिखे हैं उन्होंने। ये ब्रिजवासी थे, गोस्वामी थे, और ये लिखते भी थे और गाते भी थे। जिन्होंने उनको सुना है बड़े गदगद होते थे। फिर वो आगे कह रहे हैं, गंगा यमुना खूब नहाया गया ना मन का मैल, घर धंधों में लगा हुआ है यूं कोलू का बैर, घर धन तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीती जाए, तेरे जीवन की रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। बिंदु जी ने तो कहा है रे मन राम कृष्ण बोल, लेकिन हमने भाई हरे कृष्ण मंत्र जो है ये भगवान ने दिया, महाप्रभु ने दिया, तो हमने भाई हरे कृष्ण हरे राम बोलो, महामंत्र बोलो। आपको पता होगा एक फिल्म बनी थी हरे कृष्ण हरे राम, शायद यही नाम था फिल्म का। उसमें ये प्रस्तुत किया गया हरे कृष्ण वालों को, भक्त बेचारे इंग्लैंड में भक्त थे बहुत सारे, उनके पास देवानंद जी पहुंच गए फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे इसके, तो कीर्तन हो रहा था, तो उन्होंने अपने मनगढ़ंत क्या लिखा के दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। बड़ा फेमस हुआ था ये। प्रभुपाद जी के पास शिकायत गई, प्रभुपाद कहते कोई बात नहीं, नाम तो ले रहे हैं लोग भगवान का, चाहे कैसे भी ले रहे हैं, कोई असर नहीं होगा। वो बेचारा चला गया बनाने वाला, पता नहीं बेचारा कहाँ पर है, कौन से नर्क में आ जाए कहाँ है, जिसने बिना समझे ये कहा भी ये नशा करते हैं हरे कृष्ण वाले, जबकि हमारे गुरु महाराज ने हमको अंग्रेजों की भी चाय काफ़ी बंद करा दी थी, ये शक्ति थी हमारे गुरु महाराज की। तो हाँ नशा नहीं करते, नहीं दिखाया था, भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, अपनी तरफ से बना दिया था उसने नशा करते, मैंने देखी है वो फिल्म। तो प्रभुपाद ने कहा भाई ये चलो भगवान का नाम किसी भाने तक लोगों तक पहुंच गया, उसने बेचारे ने तो पाप कमा लिया, लेकिन भगवान का नाम पहुंच गया। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ये कलियुग का तारक मंत्र है, कलियुग के लोगों के उद्धार के लिए इसे जपना और जपाना है, और कुछ नहीं करना बस। अभी ये शरीर जो है हमारा, कल कुछ माताएं आई थी मिलने के लिए, तो एक माता कहती है महाराज मेरी बाजू काम नहीं कर रही है। शरीर का यही हाल है भाई, ये शरीर जो है ना बेकार है, किसी काम का नहीं। जब वृद्ध हो गया तो कहते हैं आपने कहा है भाई खाते पीते, जब तुम्हें खाते पीते, मैंने अच्छी बात है, जब वो सही आप। तो हम भूल जाते हैं ना संसार में खोए हुए, लेकिन नाम को जपना है बस। ये नाम महाप्रभु ने दिया है, और इसके जपने से हमारे सारे दोष दूर हो जाएंगे, और सबसे बड़ा दोष दूर ये होगा जन्म मन के चक्कर से हम मुक्त होकर अपने घर को गौलोक धाम को चले जाएंगे। पर श्रद्धा भाव से अगर जपा तो ऐसे नहीं, वैसे किसी हालत में भी जपना चाहिए। तुलसीदास ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, तुलसी अपने राम को रीज भजो जा खींच, बोलो अपने भगवान को, वो राम जी के भक्त है, राम कृष्ण दोनों एक ही, यहाँ राम भी हैं कृष्ण भी हैं। फिर उन्हें उदाहरण क्या दिया है, ज्यों खेती में ना किए उल्टा सीधा बीज। अभी देखो जब बीज बोया जाता है उल्टे सीधे पड़ते हैं ना बीज सारे, लेकिन सारे पैदा हो जाते हैं। यदि भगवान को भजो सही,
संत महात्मा यही कह रहे हैं। और क्योंकि हम लोग प्रायः खोए हुए हैं दुनिया में, विषय विकारों में, घर परिवार में, भोग विलास में, स्त्री पुरुष के चक्कर में सब खोए हुए हैं, और ये इसने हम सबको पागल कर रखा है, दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा, कोई धन के चक्कर में खो रहा है, कई ऐसे कई उनका प्रोफेशन क्या है, लोगों को जाल में फंसाना और लूटना उनको। चंडीगढ़ की मैं एक बात बताऊंगा आपको, एक व्यक्ति आए उधर मंदिर में बैठा रहे, पुरानी बात है ये 35-40 साल पुरानी बात, 35-35 साल यहाँ भी हो गए हमको आए हुए, तो आके बैठा रहे ऐसे भगवान के सामने बैठा है, पुराना मंदिर था, रोज आए और बैठे। एक और थे हमारे, वो प्रेमी अच्छे व्यक्ति थे, वो भी आते थे, तो ये व्यक्ति मैं आता रहा, पूछा उसको, बात किया, तो कहता है कि मैं ट्रैवल एजेंट हूँ। ट्रैवल एजेंट क्या, तो बुकिंग पे जाना है, पहले आपने अगर जाना तो पहले नेपाल जाएंगे, राजा से आपकी भेंट होगी। और दूसरा व्यक्ति कहता है महाराज ये बहुत अच्छा आदमी है, इससे आप करो बातचीत करो, वो धोखेबाज था, मंदिर में आकर के धोखा कर रहा है वो। बाद में उसको कहा महाराज, वो कहता है क्या करें, क्या नाम उसको मैं भूल गया, यहाँ भी आया उधमपुर में, तो लोग ने धंधा बना रखा है, धंधा बना रखा है बेवकूफ बनाने का, मंदिर में गए। अब जैसे एक था ना बेचारा, उसने भी धंधा ही बना रखा था, उसके पास एक धंधे वाला गया, जाए 1,00,000 रुपये का मत्था टेक दे, देखो लोगों पर कैसी कैसी युक्तियां हैं, 1,00,000 रुपया बहुत होता है। फिर गया, फिर 1,00,000 रुपया, उसने 5-10 लाख लगा दिया मत्था टेका। एक दिन जिनके पास जाता था उनके करोड़ों चेले हैं, लाखों नहीं करोड़ों, अभी वो बेचारे जेल की हवा खा रहे हैं। तो पूछे भाई क्या काम करते हैं, तो कैसे लोग चालू आदमी कैसे होते हैं, कहते हमारा छोटा मोटा काम है, कहते क्या, कहते बस फाइनेंस करते हैं हम, फाइनेंस कंपनी है, सच्ची बात है। अच्छा भाई, हाँ तो वो मतलब ये जो लोग हैं उनके पास 2 नंबर का पैसा होता है। बोला ऐसा है कि हमारा भी फाइनेंस में कोई लगा दो। अच्छा महाराज जैसे आप कहें, अच्छा इंटरेस्ट देंगे आपको। उसको उसको पता नहीं 1 करोड़ या 2 करोड़ उसको दिया, बस वो 5 लाख निकाल के 2 करोड़ बना लिया उसने, फिर उसकी शक्ल नहीं देखी कोई, किसको बोले भी क्या, मैं 2 करोड़ खा गया, खुद ही वो गलत आदमी है। तो ऐसे ऐसे लोगों ने धंधे बना रखे हैं कि ऐसे लोगों को वो छित्रते हैं तो ठीक है, लेकिन आम जनता के साथ भी वो धोखा करते हैं। तो कलयुग में भाई बड़े दोष आ चुके हैं, और ऐसे महात्माओं की कृपा से, और इन्होंने जो हमें कली पावन अवतार गौर निताय अद्वैताचार्य गदादास श्रीमद ठाकुर दिए, इनकी कृपा से हम नाम जपें, बस ये ध्यान में रखें कि मेरा जो मन है ये पवित्र नाम जपने से ही होगा। जैसे बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे प्रभुपाद जी ने बार बार यही कहा, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता, सत्ता शुद्ध कैसी होगी, नाम जपने से, बुराइयों को छोड़ने से, प्रयास करना बुराइयों को छोड़ना, विषय विकार जो है ना, जिसके मन में काम और कामनाएं, काम के साथ कामनाएं जुड़ी हैं, काम पर जिसकी विजय नहीं हुई तो कामनाएं तो भरी पड़ी हैं, काम से कामनाएं, काम से फिर क्रोध, कामनाओं से क्रोध, काम से कामनाएं क्रोध आ जाता है, पर क्रोध से मोह, संसार में निरंतर मोह बना रहता है, फिर लोभ लालच, लालच आ जाता, फिर आखिर में अहंकार। जब अहंकार आता है तो हमारे आचार्य नरोत्तम ठाकुर कहते हैं अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है, चाहे वो किसी चीज का भी अहंकार करे, किसी भी चीज का। और देखो भक्ति माता कैसी हैं, भक्ति ऐसी है कि भक्ति माता हमें विनम्र बनाएंगी, भक्ति राज्य में प्रवेश करने से पहले हमें विनम्र बनना पड़ेगा, हम अकड़े रहे अहंकार रहा तो भाई भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं हो पाएगा, समय बीत जाएगा,
एक दिन यमदूत द्वार पर आ गए, और जो खोया होगा दुनिया में अहंकार में या बुराइयों में उसको थोड़ी मौत की चिंता है, मौत एक दिन आ ही जाएगी द्वार पर उसके, तो मौत आ जाएगी तो फिर कुछ नहीं कर सकता वो। तो बिंदु जी यही कहते हैं, तूने स्नान तो किया लेकिन घर के दंतों में तुम्हें ऐसा लगा रहा जैसे कुल्लू का बैल है, कुल्लू का बैल कुल्लू के आगे पीछे घूम रहा है बेचारा, ऐसे घर दंतों में हम सब लगे हुए हैं। तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीती जाए, आशा क्या है, भगवत प्राप्ति करनी है, और चलिए गए ऐसे ही कुल्लू के बैल की तरफ घूमते रहे, कुल्लू बेचारा बैल बेचारा चल रहा है कुल्लू की तरफ, आंखें उसकी बंधी हुई हैं, ऐसे हमारी गति हो रही है। फिर आगे कह रहे हैं बिंदु जी, किया न पौरुष आकर जग में दिया न कुछ भी दान, किया न पौरुष, पुरुषार्थ नहीं किया, दान भी नहीं दिया, पर क्या किया, मेरी तेरी करता करता निकल गया यह प्राण, मेरी जैसे पानी बीच बताशा बातों में बीती जाए, जैसे पानी में हरे मन हरे कृष्ण बोल, हरे मन हरे राम बोल, शब्दों की ओर ध्यान दें। बिंदु जी महाराज क्या कह रहे हैं, पाप गठरिया सर पर लादे रहा भटकता रो, पाप गठरिया, पाप की जो गठरी है ना, पाप जो किए हैं हमने, वो गठरी हमारे सर पर है ना, भटक रहे हैं हम ठीक तरह से क्यों नहीं समझ सकते। जैसे एक उदाहरण श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने दिया है, तीन प्रकार के लोग बताए हैं। एक है उसने सुना चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करता, वो नंबर वन है प्रथम श्रेणी। दूसरे ने सुना चोरी करना पाप है, असर नहीं हुआ, चोर को जब पुलिस वाले ले जा रहे हैं तो ओ ये भाई गलत काम है, उसने चोरी करना छोड़ दी, द्वितीय श्रेणी का हो गया। तृतीय श्रेणी का थर्ड क्लास जिसे कहा है, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ, वो सुनता है असर नहीं, देखता है असर नहीं, चोर को जब पकड़ के ले जाते हैं वो भी देखा उसने, सब कुछ देखा, लेकिन वो चोरी करता है, वो जब फिर पकड़ा जाता है दंड पड़ता है तो अभी समझता है, अभी समझने से क्या लाभ। हम सब कनिष्ठ बन चुके हैं कलयुग में, लेकिन हर हालत में नाम जपो, बस कनिष्ठ हो मध्यम हो उत्तम हो नाम जपो। अभी देखो कि मुझे एक बात है, एक हमारे गुरु भाई थे उनका नाम था निताई दास, प्रभुपाद जी का सहयोग, प्रभुपाद जी ने इतना काम किया, भक्तों ने सहयोग किया, उन्हीं के कल्याण थे। तो निताई दास एक दिन कहता है प्रभुपाद जी को कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने कहा कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे तुम सब ठीक कर रहे हो, नाम जपो। जब शास्त्र का श्लोक मैंने पढ़ा, संस्कृत में कितना विद्वान है, अगर भक्त नहीं है तो कुछ भी नहीं। उसने नहीं सुनी तो प्रभुपाद को ये शब्द कहने पड़े कि निताई हैज़ बिकम स्नेक, निताई दास हैज़ बिकम स्नेक, वो सांप बन गया है। विद्वान बनना चाहता है, विद्वता से थोड़े भगवान मिलेंगे, कुछ लोग बेवकूफ बन जाएंगे, ऐसे भी लोग देखें पढ़ेंगे बड़ी पढ़ाई करेंगे लेकिन हृदय तो परिवर्तित उनका हुआ नहीं, हृदय से गंदगी तो गई नहीं, गंद भरा है, विद्वान बन गए। कुछ लोगों ने बातें सुन, हाँ बहुत अच्छे हैं ये, बहुत विद्वान हैं, बहुत कुछ जानते हैं,
उसने थोड़ी उसको पालिश लगा दी, उसी में खुश हो गया। पर भगवान थोड़े खुश हुए उससे, भगवान तो केवल भक्ति से ही खुश होंगे। इसलिए भगवान ने कहा है ना, अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। ये भगवत वाक्य है। तो विद्वान बन के कुछ लोगों की ख्याति तो मिल गई। इसमें प्रभुपाद जी ने शब्द कहे हैं, निकाल सके तो निकालो, ए वन कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, वन कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट वन कैनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तुम थोड़े समय के लिए किसी को बेवकूफ बना सकते हो, बन जाते हैं लोग बेवकूफ, बन रहे हैं आज, क्या कुछ ज्ञान है नहीं भक्ति तो बेवकूफ ही बनेंगे। तुम कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बना सकते हो और कुछ लोगों को तुम बहुत समय के लिए बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन तुम सभी लोगों को सदा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। मिला कुछ नहीं है, ये लिखा होना चाहिए कहीं पर, देखो ढूंढना इसको, प्रभुपाद जी के शब्द हैं। तो ऐसे बेवकूफ बना रहे, जो बेवकूफ बनाते हैं ना खुद बेवकूफ बन जाते हैं। ऐसे थे जो जिन्होंने अरबों की संपत्ति इकट्ठी कर ली लोगों को बेवकूफ बनाकर, लेकिन भगवान ने ब्रिज से बाहर निकाल दी, गेट आउट यहां से ब्रिज में, नहीं तेरे को प्राण निकलेंगे, बाहर जाके मर। उल्टे सीधे काम किए, पाप कर्म किए, धन इकट्ठा कर लिया, भगवान थोड़े मेरे। हाँ लोगों में, हाँ भाई बहुत बढ़िया, कुछ बस उसमें कुछ वो नहीं है, आत्मा नहीं है, दिख रहा है बहुत कुछ, बिजली है, ये है वो है, लेकिन कुछ भी नहीं। तो हमें भगवान की खोज करनी है। बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, प्रेम सहित राधा माधव के किया ना कुछ भी खोज, भगवान तो मिलेंगे भाव और भक्ति से। भगवान के चरणों में मन को लगाना है, सिमरन करना है, उनके प्रति भाव जागृत करना है, संसार से मन को हटाना है, भगवान के चरणों में लगाना है, तो धीरे धीरे जागृत होगा। तो तुम क्या करता रहा, झूठा करता रहा तमाशा, संसार में तो झूठा तमाशा करता रहा, बातों में बीती जाए तेरी हीरे जैसी श्वासा, बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। फिर वो कह रहे हैं बिंदु जी, देखो अपना नाम कैसे बीच में डालते थे वो, नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जा, नस नस प्रकृति बिंदु के कन में भी उसको तू पहचान, प्रकृति बिंदु उससे मिलने की अभिलाषा, बातों में बीती जाए उससे मिलने, रे मन हरे कृष्ण बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण अच्छी बात कहीं से मिले उसको लेना चाहिए। एक मुझे बात याद आई, एक वीडियो मुझे दिखाया गया। वीडियो क्या है, अष्टभकर, अष्ट उनके शरीर में कुभ थे, वो महाराजा जनक को मिलने आ रहे हैं। छोटे थे, विद्यार्थी थे वो,
तो मिलने क्यों आ रहे थे? वहाँ एक जनक जी के गुरु थे, या गुरु नहीं थे मेरे ख्याल में, वो बड़े विद्वान थे। उनके साथ जो भी कोई शास्त्रार्थ करता, अगर वो हार जाता तो उसको फिर वो जल समाधि लेनी पड़ती, मतलब प्राण त्यागने पड़ते उसको। उनका नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है, किसी के ध्यान में आए तो बता सकते हैं। तो आए तो कहते हैं हम महाराज जनक जी से मिलना चाहते हैं। और वो जो शास्त्रार्थ करते थे, जो दूसरों को जल समाधि देते थे, कई कईयों को मार दिया उन्होंने अपनी विद्वता अपने अहंकार से। तो द्वार पर जो द्वारपाल खड़े थे, कहा भी क्यों, कहते हम उनसे बात करना चाहते हैं। अरे बच्चे तुम छोटे हो, जाओ स्कूल में पढ़ो, तुम क्या शास्त्रार्थ करोगे, अगर हार गए तो तुम्हें जल समाधि लेनी पड़ेगी। कहते हम जानते हैं, क्यों तुम मरने आ रहे हो? कहते नहीं, हम बात करेंगे, हमारे लिए गुरु कृपा ही पर्याप्त है, हमारे गुरु जी की हम पर कृपा है, वही गुरु कृपा ही केवलम। शास्त्रार्थ किया उन्होंने आकर, शास्त्रार्थ जब किया तो बड़े शास्त्रार्थ महारथी, हार गया वो, सब देख रहे हैं बच्चों ने हरा दिया, हार गया। कहते मैं जल समाधि ले लेता हूँ। कहते हम आपको जल समाधि देने नहीं आए, यहाँ पर आपको ये समझाने आए हैं कि आपने बड़े पाप किए हैं, कितने अपने मासूम लोगों को जल समाधि दे दी जो भी आपसे बात करता था। तो मतलब कहने का, विद्वता से बड़े विद्वान बन गए, अहंकार आ गया, भगवान नहीं मिलेंगे। अरे भगवान को मिलने के लिए तो भक्ति माता की कृपा चाहिए, भगवान को मिलने के लिए भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए विनम्र बनना पड़ेगा। और ये जो अभी प्रचार है ना बड़ा, कि माँ बाप भी प्रयास करते हैं लड़के की शादी जरूर करनी है, क्यों करनी है, बस बस यही हमारी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है भाई तेरी? तेरी जिम्मेदारी तो ये है कि तू आवागमन अपना छोड़ाए, धाम में जाए, बच्चों का जन्म कर्म अपना आवागमन छोड़ा। लेकिन नहीं, जिम्मेदारी क्या है, उनको संसार में धकेलना है। ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा ये शास्त्र में। अगर बच्चा बच्ची भक्ति करना चाहते हैं तो माँ बाप को उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, ना कि उनके साथ जबरदस्ती करके पाप कमा रहे हैं, क्योंकि खुद मोह माया फंसे हुए हैं बेचारे, बुद्धि तो काम कर नहीं रही। जैसे वर्णन आया ना यहाँ पर के पाप गठरिया सर पर लादे रहा भटकता रोज, पाप रूपी गठरी जो है भटक रहा आदमी, और भगवान की खोज कैसे करता, और भगवान की खोज करने के बजाय वो झूठा तमाशा करता रहा। जैसे मदारी तमाशा करते हैं ना, वो तमाशा मदारी का तमाशा कर रहा है। तो मदारी के तमाशे से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान तो मिलेंगे भगवान का नाम लेने से, और अपनी अंतरात्मा अपने अंतर को पवित्र करने से भगवान मिलेंगे, भगवान के प्रति भक्ति भाव जागृत करने से भगवान मिलेंगे। आखिर में ये शब्द कहे हैं बिंदु जी ने कि ये प्राणी नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान, तू हर जगह भगवान को देख। अब उसका बड़ा उदाहरण कैसे हम भगवान को हर जगह देखें, प्रहलाद जी को दिव्य दृष्टि मिली थी अपने गुरु नारद जी से, तो हिरण्यकश्यपु बड़ा दुखी है, और दुखी इसलिए है कि ये मेरा बेटा दुष्ट है, मेरे शत्रु का भक्त बन गया ये, और ये मर नहीं रहा। तो हिरण्यकश्यपु बड़ा परेशान है, दुखी है, कहते आज मैं इसको खुद मारूंगा। तो हिरण्यकश्यपु कहता है कहाँ तेरा भगवान। प्रहलाद जी बड़े सौम्य भाव से कहते हैं पिताजी आप में भी वही बोल रहा है, मेरा भगवान सब जगह है, तेरा भगवान इस खंभे में है। हाँ है, है पिताजी। क्रोध आ गया उसको, राक्षस वृत्ति है, उसने गदा मारी जोर से खंभे को, समय आ गया। एक बात याद रखो, समय पे दिन निकलता है,
समय पे रात होती है, समय पे रात होती, समय आने पे ही सब बात होती है। बिना समय आए कुछ नहीं होता। उसने गदा की मारी खंभे को, तो खंभा फटा, उसी में से दिव्य भगवान का रूप प्रकट हो गया। जो ब्रह्मा जी ने वर दिया था पूरा करने के लिए, ना मनुष्य से पशु, ना मैं मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं, तो भगवान ना मनुष्य ना पशु, सर जो है वो सिंह का है, शरीर जो है मनुष्य का है, ना अस्त्र ना शस्त्र, भगवान के नाखून बड़े बड़े हैं, नाखूनों से फाड़ा उसको, ना धरती पर ना आकाश पर अपनी गोद में रखकर, ना घर के भीतर ना घर के बाहर, देहली पर जो जो बर मांगे थे ब्रह्मा जी से हिरण्यकशिपु ने। देखो राक्षस भी बड़े चतुर बनते हैं। प्रभुपद एक शब्द कहते थे, भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, अंग्रेजी में प्रभुपद ने कहा था, अमंग द चीट आई एम द ग्रेटेस्ट चीट, धोखा देने वालों में सबसे बड़ा धोखा देने वाला हूं। तो भगवान राक्षस भगवान को भी धोखा देना चाहते हैं ना, लेकिन भगवान को कौन कौन धोखा दे सकता है। जो ब्रह्मा जी ने वर दिए सभी पूरे किए, और हिरण्यकश्यपु की जो है लीला समाप्त कर दी भगवान ने। तो प्रहलाद महाराज भक्त शिरोमणि, हर जगह उन्होंने भगवान को देखा। तो अभी प्रहलाद महाराज को नृसिंह भगवान, लंबी बात है छोटी कर रहा हूं, उसने बेटा तूने बड़ा कष्ट सहन किया मेरे लिए, तू बर मांग, क्या चाहिए तुम्हें। प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभु आपकी जो भक्ति है ये कोई व्यापार थोड़ा है, व्यापार बनिया करता है, बनिया को आप पैसे दोगे तो सौदा मिलेगा, पैसे नहीं दोगे तो सौदा मिलेगा, बोलो उधमपुर में मिलता होगा, मिलता है तो बोलते क्यों नहीं। भक्ति व्यापार नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभु आप मेरे सामने आ गए तो और क्या चाहिए मुझे। नहीं नहीं प्रहलाद मांगो। ये क्यों भगवान बार बार प्रहलाद जी को कह रहे हैं मांगने के लिए, हम मूर्खों को शिक्षा देने के लिए। हम सब मूर्ख हैं, हैं या नहीं हैं, सब नहीं बोल रहे, बुद्धिमान कौन कौन नहीं रहा, हाथ खड़ा करो बुद्धिमान लोग, जो मूर्ख नहीं है वो हाथ खड़ा करो। अच्छा जो जो मूर्ख हैं वो हाथ खड़ा करो, सभी मूर्ख इकट्ठे हो गए यहां पर हैं, ये हंस रहा है मूर्ख तो देखकर, हम सभी मूर्ख हैं, आप मूर्ख नहीं हो ना, तो अच्छी तरह खड़े रखना था, नीचे क्यों कर दिया। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे प्रभु मैं व्यापार थोड़ा कर रहा हूं, ये शिक्षा लेनी है, इसलिए प्रहलाद महाराज को बड़ा उच्च कोटि का भक्त कहा है। और जन्म कैसा उनका, राक्षस कुल में जन्मे हैं वो, माँ बाप राक्षस हैं उनके, बाप राक्षस है, लेकिन परम भक्त। ये नहीं कि केवल ब्राह्मण ही भक्त बन सकता, ब्राह्मण भी बन सकता है पर कोई भी भक्त बन सकता है, ये भगवान ने बहुत सारी लीला करके दिखाया है। जब भगवान कहते हैं प्रहलाद तुम मांगो, मन में सोच लेंगे भगवान बार बार मांगने के लिए कह रहे हैं, देखो तो यहां भी भाव है, नहीं मांगूंगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान को नाराज नहीं करते भक्त, भगवान को खुश रखते हैं, और भगवान भक्तों पर ही खुश रहते हैं। जो ठग है ना, ठगतों पर नहीं, ठग लोगों को ठग लेते हैं, लोग खुश हो जाएंगे पर भगवान खुश नहीं होंगे। हमें तो भाई परमपिता को खुश करना है, क्योंकि संसार का जो कोई भी है हमारे काम आने वाला नहीं है। जैसे वो शब्द है ना, ये जितने रिश्ते नाते हैं, ये जितने बस मरघट तक ही जाते हैं, फिर हंस अकेला
करता कूच बेचारा, फिर हंस अकेला दुनिया में कौन तुम्हारा दुनिया। ये जो नाते रिश्तेदार है ना, मरकट तक जाते हैं जलाने तक, बस फिर आ जाते हैं वापस, उसको अग्नि के सुपुर्द करके आ जाते हैं वापस, कोई काम नहीं आने वाला। पर समझ क्यों नहीं आती, हम भक्त नहीं बने अभी तक। बस यही संदेश है प्रहलाद महाराज का कि हमने भक्त बनना है। जब बार बार पूछने पर प्रहलाद महाराज सोचने लगे, कहा है कि जे कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर, जो कृष्ण का भजन करता है वही बुद्धिमान है, वही चतुर है, और जो कृष्ण का भजन नहीं कर रहा वो पल्ले दर्जे का मूर्ख है, चाहे करोड़ों पति हो तो क्या करना है करोड़ों को, वो करोड़ों में उसने मन को फंसा लिया, जब जाएगा तो मन उसका करोड़ों में फंसा रहेगा, अगला जन्म पता नहीं क्या उसका हो जाएगा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभु अगर आपने मुझे कुछ देना ही है तो मेरे पिता को क्षमा कर दो। किस पिता को? जो दुष्ट है, पल्ले दर्जे का दुष्ट है, राक्षस है। तो प्रश्न उठा चर्चा में, भाई प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के लिए क्यों क्षमा मांगी, क्यों कहा कि मेरे पिता को क्षमा कर दो? क्योंकि भक्त जो है उसका कोई शत्रु नहीं, भक्त सभी पर दया करता है, उसका कोई शत्रु है ही नहीं, उसके मित्र तो भगवान हैं, उनका बाप जो शत्रु है। हाँ, शब्द क्या कहे प्रहलाद महाराज ने, जब नृसिंह भगवान ने कहा मांगो, तो ये प्रश्न उठा, भाई उसने तो इतने कष्ट दिए तेरे को। तब प्रहलाद जी के शब्दों को याद रखो, कहते कौन किसको कष्ट देता है, मेरे कर्म थे। ये है समझ, हम चिल्लाते हैं ना ये ऐसा है, वो सब हमारी बीमारी है, अपनी बीमारी है, अपेक्षा रूपी रोग लग गया हमको, अपेक्षा पर अपेक्षा, दूसरों से एक्सपेक्ट करना, मेरे में चाहे 50 दोष हों पर दूसरों में नहीं होने चाहिए, ये मनुष्य का स्वभाव है, ये जीव का स्वभाव है। याद रखो, अगर हम में दोष हैं, हमारे ये सोचना दूसरों में दोष नहीं हो, वो हमारे मन की मलिनता है, हमारे पापों के कारण हम ऐसा सोच रहे हैं। प्रहलाद जी के ये शब्द याद रखो कि प्रहलाद जी कहते हैं कौन किसको कष्ट देता, तो मेरे ही कर्म थे। ऐसी समझ कब आती है, जब कोई भक्त बन जाता है भगवान का, जब कोई भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप देता है, भगवान के लिए जीता है, भगवान के लिए मरता है, भगवान के लिए सब कुछ करता है, उसकी समझ ठीक हो जाती है। चाहे वो राक्षस है, चाहे वो चंडाल है, चाहे वो कोई भी है, जो भगवान के लिए सब कुछ करता है उसी का जीवन धन्य है और उसी की समझ ठीक होती है, और जो भक्त नहीं है उसकी समझ ठीक नहीं है। उसकी समझ जैसे एक कहता है जी मैं इतना कुछ कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कहा भाई किस लिए कर रहा है तू, ये अपनी आत्मकल्याण के लिए नहीं कर रहा है, चुप हो गया वो, एहसान यहाँ कर रहे हैं तो एहसान थोड़ा कर रहे हो, तेरी आत्मा का कल्याण होगा इसमें, ये समझ में नहीं आती। अगर भक्ति कर रहे हैं तो किसी पर एहसान थोड़ा करते हैं हम, तो भाई अपने आत्म कल्याण के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, और हमें केवल भगवान के लिए ही सब कुछ करना चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, वही काम आएगा। अपने लिए अगर कुछ करेंगे तो वो ऐसे है कि जैसे ब्लैक बोर्ड पर जीरो बनाना, जितने मर्जी जीरो बना लो कोई कीमत नहीं, पर जीरो बनाने से पहले एक लाइन बनाओगे वो 10 बन जाएगा, फिर बनाओ जीरो, 100, 1000, 10,000, लाइन हटा दो तो जीरो जीरो, चाहे जितने मर्जी बना लो। संसार के काम सभी जीरो हैं, वो एक लाइन भगवान कृष्ण है। भगवान के लिए जीरो भी बनाओगे वो भी काम, उसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर भगवान के लिए कुछ नहीं किया तो जीरो जीरो, आगे ही जीरो, शुरुआत जीरो, आप 1 करोड़ जीरो बना ली अपने ब्लैक बोर्ड पर, कोई कीमत है उसकी? बोलो, कोई कीमत नहीं। हाँ, एक लाइन बनाई,
फिर जीरो बनाओ तो वैल्यू है। उल्लायन श्री कृष्ण है, ये महापुरुष संत प्रभुपाद जी समझा रहे हैं और प्रहलाद महाराज जैसे भक्त समझा रहे हैं, और हम लोगों को समझने का प्रयास करना है। तो आखिर में कहा है बिंदु जी ने, नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान। हर जगह भगवान है, पत्थर से भी तो भगवान मिल गए, प्रकृति बिंदु के कण में भी, बिंदु के कण में। अभी देखो कि बिंदु जी ने अपना नाम कैसे डाला, उसको तू पहचान, उससे मिलने की अभिलाषा बातों में बीती जा रही। संसार में भी देखो, हम जब गए एक शादी में गए, हमें नहीं अच्छा लगा वहाँ पर, जैसे सब खुले हुए हैं दुनिया में, लेकिन ये जाना है गरीब लड़की की शादी, चलो चले गए। मैं आगे कान में सोच, हाथ को लगाया भी नहीं जाऊँगा कभी भी, क्या करना मैं साधु को क्या वहाँ पर, सब लोग उल्टे सीधे बस पागल हुए पड़े हैं सारे। तो संसार में भाई कुछ नहीं है, इस बात को सुनो समझो और करो, जो कुछ भी है प्रभु के चरणों में है, भगवान के लिए करो, भगवान के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करो भगवान के लिए, जैसे प्रभुपाद जी का पूर्ण समर्पण था। समर्पण था तो पहले परीक्षा भी कितनी उनकी हुई, और उन्होंने पूर्ण समर्पण होने से सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। ये है भगवत कृपा, ये है भगवान उनके साथ। तो हमें भी भगवान को साथ में रखना है, क्योंकि हम लोग पापों के कारण भूल जाते हैं, केवल लोग प्रश्न करते हैं ना, भूल जाते हैं, बुद्धि मलिन है। जैसे बिंदु जी ने कहा कि पाप गठरिया सर पर ला दे, जब तक ये पाप रूपी गठरी हल्की नहीं होगी ना, हम जानते हुए अनजान बने रहेंगे। देखेंगे सब मर रहे हैं, पर मैं नहीं मरूंगा, पर एक दिन वो भी आ जाएगी, तो दिन मुझे भी मरना पड़ेगा। ये सब पापों के कारण, और पाप कहाँ से हो रहे हैं, विषय विकारों के कारण, बुद्धि हमारी मलिन हो रही है। आप सब कृपया समझो, हर जगह भगवान है, और उनसे मिलना, हमने उनसे मिलने की अभिलाषा बातों में नहीं बितानी, भगवान का नाम लेना है, पहली शुरुआत यहाँ से करनी है, जितना ले सको। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। तो आज थोड़ी सी चैतन्य कथा हुई है, मैंने झाड़ू ठाकुर की बात आपको सुनाई, और झाड़ू ठाकुर विनम्रता के मूर्ति, सच्चे भक्त हैं, कोई अहंकार नहीं, कोई अहंकार नहीं। जैसे मैंने उसका उदाहरण दिया, वो सुन रहा होगा अभी, वो और फोन पे बताता है कि आपने कहा था ये, ब्राह्मण दीक्षा हुई तो कहते मैं ब्राह्मण बन गया ऐसे थोड़ा, अरे वो योग्यता लानी पड़ेगी, गुण लाने पड़ेंगे हमें, और ला सकते हैं सभी नाम के प्रताप से। जैसे वो कहा है ना, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, नाम के गनिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया, गनिका नाम के प्रताप से अजामिल तरा। अजामिल ब्राह्मण था, पर महापात की ब्राह्मण था, पता पतित ब्राह्मण था। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गनिका वैश्या थी वो तर गई, सुदामा जी तो बड़े भक्त थे वो तर गए। आप में से कोई कह सकता है तरे होंगे, मैंने तो नहीं देखे। अगर भाई तूने नहीं देखे तो फिर तेरे लिए ये कहा है, करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है, करके कोई कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, कृष्ण राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है, यही करामात है। धन्य ने नाम लिया मुक्ति उसकी हो गई, धन्य जीवन की नैया पार
उसकी हाँ हो गई जीव। एक शुद्ध भाव से हुई ऐसी बात है, एक शुद्ध भाव यही करामात है जी, यही करामात है। बजाय हम नाम लेते, भगवान की शरण में आते, हम क्या करते हैं, दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया दुनिया, इज्जत भी लूट गई रुतबा भी छिन गया, आओ शरण कृष्ण की देखो बाजी मात है, आओ शरण कृष्ण देखो बाजी, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, यही करामात है, यही करामात है। देखो दुनिया के झंझटों से कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी हम क्यों नहीं इन झंझटों को छोड़ सकते, शुद्धि नहीं हुई। इसलिए कहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हराय नमः कृष्णा यादवाय नमः हरि, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद देखो एक बात प्रभुपाद कृपा से मैं कह रहा हूँ आपको, जो लोग प्रायः लोग झंझटों में पड़े हुए हैं, जो झंझटों में पड़े हुए हैं, अगर वो किसी को देखते हैं ये झंझट से निकलना चाहता है, वो लोग क्या करेंगे, मदद करेंगे आपकी, बोलो नहीं, आपको झंझटों में डालेंगे, क्यों कि भाई हम तो निकले नहीं और तुम निकल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं। मैंने बस थोड़ा सा बीच में मजाकिया बात बता दी है, अभी जैसे आजकल ये सब बड़ी मूर्खता है, ब्याह शादी सब ऐसे ही हो गया है, शराबें पीते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं और नाचते हैं, बड़ा नृत्य होता है, तो क्या इसमें हमने अपने विचार डाले हैं, नृत्य करने वाले शादीशुदा भी होते हैं, उसमें कुंवारे भी होते हैं, कुंवारे कहते हैं भाई तुम फंस रहे तो हम भी फंसेंगे, हम भी आएंगे इस मोह माया में, शादीशुदा वो क्यों नाचते हैं, बड़े कहते हैं भाई हम तो फंसे हैं मोह माया में,
हमने तो भाई जाना है नरक में, तू क्यों भगवान के पास जाए, तू भी वहाँ चल, यहाँ हम जा रहे हैं। इसलिए वो नाचते हैं, नृत्य करते हैं। एक बार ऐसे एक बारात जा रही थी, बारात जा रही थी तो नाचते हैं, जैसे आपको पता एक विरागी महात्मा थे, तो विरागी महात्मा ने देखा मन है, मन चंचल है, कुछ भी इसमें आ सकता है। विरागी महात्मा से मेरी भी शादी हुई होती, मेरी भी पत्नी आती, मेरा भी परिवार है, क्या सोच रहा हूँ मैं, मूर्ख। चले गए छोड़ के। तो गर्मियों के दिन थे, एक कुआँ था, थोड़ा उन्होंने पानी पिया कुएँ से, ठंडक के वहीं लेट गए बेचारे, थके हुए थे विरागी महात्मा। उनको नींद आ गई, जब नींद आ गई तो हुआ क्या, घोड़ी पर चढ़ गए वो, बस शादी हो गई उनकी, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, तीन चार बच्चे हो गए। एक जो बच्चा हुआ है, छोटा बच्चा, वो रो रहा है, और जो जिसके साथ उनकी शादी हुई है वो मार रही है उसको पत्नी। तो महात्मा जी कहते हैं भाई क्यों मार रही है तुम इसको, कहते हादसे में रोता रहता है, कभी कुछ मांगता है, कभी मेरे से निशान होता, आप मेरे साथ सुला दे इसको, तुम लिया मेरे साथ सुला दे। तो सपने भी केवल जो बातें हम करते हैं ना सच में हो जाती हैं। महात्मा जी बच्चे को सुलाने के लिए करवट बदलने लगे, करवट थोड़ी ज़्यादा ही बदली गई, गड़म करते कुएं में गिर गए। जब कुएं गिर गए तो लोग इकट्ठे हुए, भाई को गिर क्या देखा, बाल्टी डालो निकालो इनको निकालो, बाल्टी डाली पकड़ के बेचारे बाहर आए। लोग पूछते महाराज आप ठीक हो, कहते तुम ठीक हो, लोग कह रहे भाई सोचने लगे, वो मैंने ऐड किया बीच में, इनके दिमाग में चोट आ गई है, गिरे ही है, तो पूछते हमको हम ठीक हैं। दूसरे किसी ने पूछा नहीं, भाई महात्मा महाराज आप ठीक हो, तुम ठीक हो, जो पूछे गए, कहते महाराज हमारी समझ में नहीं आ रहा, कुएं तो आप गिरे, कहते हमको, हम तो बाहर ही थे, हमने तो निकाला आपको, आप कहते हम ठीक हैं, कहते हाँ महाराज समझाओ। कि देखो भाई मैं सपने में गिरा था, सपने में बना था गृहस्थी, जा गिरा कुएं में, तुम तो वास्तव में पड़े हो उसमें, इसलिए पूछ रहा हूँ तुम ठीक हो। कहते हाँ महाराज बाकी कुआं ही है। प्रहलाद जी ने भी भागवत में कहा जन्म एतुनादि ग्रह मेदि सुखम तुच्छम ग्रह अंधकूपम, श्लोक निकालिए। तू तो अंधे कुएं गिरा हुआ है, जन्म एतुनादि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम ग्रह अंधकूपम, भाई तू तो अंधे कुएं में पड़ा हुआ है। तो प्रहलाद जी अपना महात्मा जी ने सब कहें बाकी महाराज आप ठीक कह रहे हैं, कहते मैं स्वप्न में गृहस्थी बना, जाग गिरा कुएं में, तुम तो वास्तव में पड़े हो। असल में प्रहलाद जी के ये शब्द हैं, श्लोक मिलता है तो पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। प्रहलाद महाराज ने ये कहा था, नृसिंह भगवान को कहा था, मिल गया श्लोक, धन्यवाद भाई तुम्हारा, श्लोक निकाल के तूने फटाफट दे दिया। ये भागवत के सप्तम स्कंद नौवां अध्याय 45वां श्लोक क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, यन मे तुनादि ग्रह मे यदि सुखम हि तुच्छम कंडुयेनेना करियोर दुखम हि दुखम त्रिपयंती नेह कृपना बहु दुख भाजा कंडूति बन मन से जम विषते धीरा। अर्थात अर्थ इसका, विषय जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु दो हाथों को रगड़ने से की गई है। विषय विकार में सब फंसना चाहते हैं, फंसे हुए हैं बेचारे, जो नहीं फंसे हैं वो फंसना चाहते हैं। कहते कि वो एक ने कहा था, पता नहीं दिल्ली के लड्डू या कहाँ के लड्डू, कौन से के लड्डू कहे, हाँ क्या कहा था, दिल्ली के लड्डू, हाँ प्रभुपाद जी के शब्द हैं, उनके सारे शब्द ही दिव्य हैं। दिल्ली के लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो नहीं खाए वो भी पछता है, जो पड़ा हुआ वो दुखी है, नहीं पड़ा हुआ कदम है। अभी एक और बात मुझे चंडीगढ़ में कही थी एक माता ने, माता कहती है मैरिज इज ए गेट
one who has entered is anxious to come out. One who hasn't entered is anxious to enter. Marriage, shadi ek darwaza hai, jisne pravesh nahi kiya, wo jana chahta andar. Jo gaya hua, wo bahar nikalna chahta hai. Ye sab bhai aise hi hai. Par bhakti mata ki kripa se aur Prabhupada kripa se naam ke pratap se hum bach sakte hain. Grahamedi arthat tathakathit grist. Grahamedi mein tathakathit grist. प्राय हम ग्रह में दिए हैं जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता वे सोचते हैं कि वह खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है. मिथुन का सुख सर्वोत्कृष्ट बड़ा सुख है. खुजलाना इसकी तुलना खुजलाहट से की गई है. सर्वोत्कृष्ट सुख है यद्यपि वास्तव में यह दुख की जड़ है. ये दुख की जड़ है. एक बात मैं कईयों कहता हूँ आज आपसे पूछता हूँ. मैं पूछूँ हैं? अरे जवाब तो दो भाई. हाँ अरे ये बताओ मैं दुखी लगता हूँ आपको या सुखी हैं? ये धीरे धीरे बोल रहे अच्छी तरह नहीं बोलता. सुखी लगता हूँ दुखी? दुखी तुम छुप के क्यों बैठो? बीच में बैठो तो तुम लोग कैसे हैं है? विपुल विपुल जी चले गए उधर का है. विपुल जी उधर बैठे हुए हैं. तो मैं मेरे सुख का कारण क्या है? मैंने कभी शादी नहीं की. यही मेरे सुख का कारण है. तो बड़े बड़े ने प्रयास किया. हमारे भाइयों ने प्रयास किया मुझे फंसाने का नरक में. लेकिन गुरु महाराज की कृपा थी. हनुमान जी की कृपा हुई हम नहीं फंसे. एक तो कहता था उसके बच्चे हैं इधर पता नहीं है. वो कहता है छाती पे हाथ मार के हैं नहीं नहीं भाग गए कहाँ हैं? एक ही कहता है भाई. मैंने कहा देखो भाई तुम मेरी शादी यहाँ कर रहे हो मेरा जीवन दुखी हो जाए तो. कहता कोई बात नहीं तुम्हें सारे जीवन दुखी रहना पड़े कोई चिंता नहीं. मैंने वाह कितने महान है ये. हम सारी लेकिन हमारी इज्जत के लिए तुम शादी कर लो. मैंने कहा कहाँ गई आपकी इज्जत? कहाँ? मैं नहीं शादी करूँगा. मैं बर्बाद नहीं होऊंगा. मैंने गुरु कृपा से आबाद होना है बर्बाद नहीं होना. तो भाई फंसाने की कोशिश की सब सब एक तरफ मैं अकेला. तीन भाई उनकी पत्नियाँ माता बेचारी उस समय उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था. पिताजी भी उनके साथ सब भाई करो करो भाई. मैंने कहा पर वहीं से जीवन में जो है मोड़ आया. कुछ नहीं भाई नरक में रखा हुआ भगवान ने रक्षा की बचाया. देखो भाई हमें तो गुरु महाराज ने बचाया. हमारा प्रयास है भाई बाकी भी बचें. बचना नहीं बचना आपके ऊपर है. भगवान की शरण में आओगे तो बचोगे नहीं. शरण में आए तो भाई बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा. तो वही ये कह रहे हैं यहाँ पर के ग्रह मेदी अर्थात तथा कथित ग्रस्त जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता वे सोचते हैं कि यह खुजलाना सर्वोत्कृष्ट सुख है यद्यपि वास्तव में यह दुख की जड़ है. कृपण जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत होते हैं बारंबार इंद्रिय भोग करने बार बार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते किंतु जो धीर हैं जैसे हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी और इस खुजलाहट को सह लेते हैं उन्हें मूर्खों तथा धूर्तों जैसे कष्ट नहीं सहने पड़ते. ये प्रहलाद महाराज भगवान श्री नृसिंहदेव से प्रार्थना करते हैं. प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है. उनको ये कष्ट नहीं सहन करना पड़ते जो इस खुजलाहट को सहन कर लेते हैं. कुछ नहीं है सब मन की मूर्खता मन की मलिनता है. कृपा करके आप लोग समझो और जीवन को सफल करो.
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य तुम बिन के दयालु जगत संसारे, तुम बिन के श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण पतिता पावन हेतु तब अवतारा, पतिता पावन पतिता पावन हेतु तब अवतारा, पति मोसम पतिता प्रभु ना पाई वो आरत, मोसम पतिता प्रभु ना पाई वो आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमी नंद सुखी, कृपा वालो कन करो अमी बाण दुखी, कृपा वालो प्रभु नित्यानंद प्रेमेनंद सुखी, आ प्रभु ने कृपा वालोकन करो आमी बड़ दुखी, कृपा वालो आमी बाळ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य। बच्चों चिल्लाओ नहीं है, राम से अच्छा बोलो, चिल्लाओ नहीं। तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तुम बिना के दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बाले पाए चैतन्य निताई, तब कृपा
दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई दया तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई तब कृपा बले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ आहा स्वरूप सनातन रूप रघुना भट युगा श्री जीव प्रभु लोकनाथ भट युगा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट युगा श्री जीव प्रभु लोकनाथ भट युगा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य दया कर तुम बिना के दयालु जगत संसारे तुम बिना दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण तुम बिना के दयालु जगत संसारे तुम बिना के दयालु हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय गौर नीता जय गौर नीता जय निमाय नीता जय निमाय नीता जय गौर नीता जय निमाय नीता प्रभुपाद 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 श्री श्री गौर निताय पंचतत्व की जय। बोलो पतित पावन शील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कौन? अच्छा ये क्या नाम था इनका? हाँ वो बंदी था। हाँ हाँ अरे बड़े विद्वान थे देखो शिव ने खूब इनका बना दिया अष्टावक्र। एक बार गर्भ में ही सुधार कर दिया तो उस पर श्राप दिया था उन्होंने इस तरह के शरीर होने का स्टोरी है सारा। अच्छा फिर कभी करेंगे इसको हैं। अष्टावक्र जी का फोटो आ गया। इन्होंने पिताजी का सुधार किया था। फिर कभी इनकी कथा सुनाएंगे आपको। और लेकिन ये बड़े विद्वान बड़े महान थे। और बंदी उनका नाम था बंदी। उसका जिसने जो ये शास्त्र में हरा था तो उसको शुद्ध समुद्र उंडा दिया तो तो इन्होंने उनको हराया। इन्होंने फिर मैंने बोला कथा भी है इनकी इधर कहाँ है अष्टावक्र। बोलो अष्टावक्र जी महाराज की। परम वैष्णव थे ये लेकिन बड़े महान। शरीर भी उनका आठ जगह से कुप थे इनको शरीर में। ओनी आदि कहाँ गई वो कथा कहाँ इनकी ये परिचय। अभी समय नहीं है इनकी कथा का परिचय फिर देंगे आपको अष्टावक्र जी करें। इनसे बड़ी सीखना हमने। बंदी बंदी उसका नाम था बंदी बंदी और बंदी जी महाराज थे जो कईयों को जल समाधि करा दी उन्होंने। आखिर इन्होंने उनको हिला दिया था। तो प्रभुपाद शिक्षामृत आज 26 तारीख है। ये शब्द प्रभुपाद ने कलकत्ता में 1974 में कहे थे। यदि कोई दूसरे पैर पकड़कर तुम्हारे सिर नीचे करके लटका दे तो वह आरामदायक स्थिति नहीं है। प्रभुपाद जैसे पांव पकड़ के उल्टा लटका दे तो आरामदायक स्थिति नहीं है। यह पूरा संसार ऐसा ही है। यह कष्टदायक है। यह उल्टी परछाई जैसा है। तालाब में तट पर पेड़ होता है और उसकी परछाई पानी में दिखाई देती है किंतु वह वास्तविक नहीं होती। वास्तविक पेड़ ऊपर है। इसी प्रकार सच्चा आनंद सच्ची वस्तुएं यह सब आध्यात्मिक जगत में है। सुख आनंद आध्यात्मिक जगत में है। याद रखो इस भौतिक जगत में नहीं है। यही प्रभुपाद ने शिक्षा दी है आज की शिक्षा में। तो यहाँ सुख मत खोजो। सुख खोजने के लिए बस प्रभुपाद कृपा से कृष्ण की शरण में आओ राधा रानी की शरण में आओ गौर नित्य की शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। बोलो पतित पावन शील प्रभुपाद की। सुदर्शना माता जम्मू से। हरे कृष्णा।
हमारे प्यारे परम पूज्य गुरु महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में ये दीक्षित माता है? दीक्षित नहीं है। नहीं है, कौन सी है ये? अरे गीता क्लास, तेरी क्लास में? अच्छा, हाँ तो नहीं, उसकी माता है? शिवांगी की फ्रेंड नहीं है जो एक डॉक्टर, उसकी माता वो है ये, उसकी माता शिवानी जो जम्मू वाली, शिवांगी जो चंडीगढ़ वाली है ना, उसकी जो फ्रेंड है। अच्छा, उसकी माँ? उसकी माँ। इन्होंने माला तो ली है? माला ली, हमें याद है। हमारे प्यारे परम पूज्य गुरु महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भक्ति में दृढ़ता कैसे लाई जाए? सुदर्शना माता प्रायः सभी ये पूछते हैं, धीरे धीरे आएगी। नियमों का पालन करो, जब जितना हो सके उतना करो, सुबह जल्दी उठो, तो धीरे धीरे दृढ़ता आएगी। ऐसे चुटकी बजाने से नहीं आएगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। सुदर्शन माता, इसका ध्यान रखो, धीरे धीरे आएगी, लगे रहो। आप माला पतन कितनी करते हो? माला बढ़ाओ और भक्ति के काम करो, प्रचार करो, धीरे धीरे दृढ़ता आ जाएगी आपको। सौरभ ठाकुर रामबन से। सौरभ ठाकुर रामबन से? रामबन सौरभ जो आया थे था। हाँ हाँ सौरभ, हाँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। दरवाजा बंद कर दो माता जी, खुला नहीं छोड़ना। मैं रामबन से सौरभ हैं? मैं रामबन से सौरभ। गुरु महाराज जी, मैं 16 माला से ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकूँ। थैंक यू। कौन है ये सौरभ ठाकुर? अच्छा सौरभ जी, ऐसा है, आप प्रयास करो, चलते फिरते भी बिना माला के भी जप सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माला पे जपने हैं। उठीते बैसीते खाईते सूईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम जपो, होएंगे धीरे धीरे आपके होएंगे। नियमों का पालन करो और प्रभुपाद जी की कृपा की याचना करो। संजीव गुप्ता जी जम्मू से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, अगर समय हो तो मैं एक भजन है? अगर समय हो तो मैं एक भजन सुनना चाहता हूँ, शुद्ध भक्त चरण रेणु। शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण, भजन भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेमालती कर मूला, प्रेमालती कर माधव तिथि भक्ति जननी, माधव जतने पालन कारी, कृष्णा बसती बसती बली, कृष्णा परम आदर भारी, परम आदर गौर आमार, ये सब स्थान गौ आम, ये सब करल भ्रमण रंगे कर, से सब स्थान फेरी वो आमी, प्राणाय भाकस थंगे, प्राणाय भाक तो अगर हम शुद्ध भक्तों की संगत करते हैं,
उनके चरणों की धूलि हमको मिलती है तभी हम अनुकूल भजन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। रमन सिंह जंद्रा से। रमन सिंह वही तो मैं कह रहा हूँ भाई। रमन सिंह जी क्या पूछ रहे हैं? इनके बेटे राघव का जन्मदिन है, उसके लिए आशीर्वाद चाहते हैं। रमन जी मेरे शुभकामनाएं आपके बच्चे के लिए। आप भी भक्ति करो, बच्चे को भी भक्ति में लगाओ, जीवन को सफल बनाओ। धन्यवाद आपका। इधर किसी को प्रश्न? हरे कृष्णा। आज हलवा प्रसाद इनकी है? हलवा का प्रसाद है इनकी तरफ से इनके। और हलवा प्रसाद लेने के लिए सब आगे आ जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे। चलो आज बड़ा बातें नहीं बच्चों, बातें जो करेंगे उनको हलवा प्रसाद नहीं मिलेगा। अरे बोले खड़े हुए आगे आगे हाथ रखो, नीचे हाथ रखते हैं।